फ्री में आपको बता दूंगी कैसे आपको रियलमी पी टू प्रो या फिर रियलमी पी टू 5G में आपको कैसे, अगर आप कॉल करते हैं तो कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं तो कोई अनाउंसमेंट होती है और कॉल हैज बीन रिकॉर्डिंग करके इस टाइप का अनाउंसमेंट होती है तो इसे आप कैसे बंद कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ और आपको बता दूँ कैसे आपको अनाउंसमेंट को बंद करनी है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, कैसे बंद कर सकते हैं। चलिए मैं इसे कॉल करके आपको दिखाता हूँ। 198 यहाँ पर देख लीजिए, 198 पर कॉल किया। This call is now being recorded. देख पा रहे हैं तो ये हो गया, इस तरह का यहाँ पे आपको अनाउंसमेंट हो रही है। तो इसे आप कैसे बंद करना है, तो बंद करना है उसके लिए सिंपली क्या करना हो, सिंपली प्ले स्टोर पर आ जानी और यहाँ पे आपको सर्च करनी होगी और डायलर करके जो ऑफिशियली यहाँ पे ऑफिशियली ऐप है ये आपको फ्रॉड नहीं है, जेन्युइन है। इसे आप क्या करना है, आपको इंस्टॉल करनी होगी और आपके आगे की प्रोसेस में बताता हूँ कि कैसे आप ये बंद करेगा और कैसे आपको इसे यूज़ करनी है। और इसमें कोई भी वॉइस नहीं आएगा, कोई भी साउंड नहीं आएगा अगर यहाँ पे आप रिकॉर्डिंग करते हैं तो कोई भी साउंड नहीं आता। तो चलिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सिंपली ओपन कर देनी होगी। ओपन पे क्लिक कीजिए तो ओपन कर लीजिए और यहाँ पे से डिफॉल्ट पे क्लिक करने के बाद आपको ओके कीजिएगा। ओके करने के बाद आपको गूगल पे रहेगा तो सिंपली आपको और डायलर पे क्लिक कर दीजिएगा, सेज एज डिफॉल्ट और अलाउ कर लीजिएगा। अब यहाँ पे मैं आपको कॉल करके दिखाता हूँ, देख लीजिए और यहाँ पे रिकॉर्डिंग किया, देख पा रहा था यहाँ पे देख पा रहे तो कोई भी आपको अनाउंसमेंट नहीं हो रही रिकॉर्डिंग में। तो इस तरह के आप यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं बिना किसी को बताए। तो अच्छी लगी वीडियोस तो वीडियोस को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पर ज़रूर कीजिएगा।